विकास विभाग के तत्वाधान में महिला एवं बाल विकास परियोजना के गांव तेजली की आंगनबाड़ी में खंड स्तर का राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CDPO प्रवीण छाबड़ा द्वारा की गई। इस मौके पर सीमा शर्मा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महिलाओं, किशोरियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से लो कॉस्ट रेसिपी व स्लोगन प्रतियोगिता शामिल थी। साथ ही विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। जैसा कि हर साल जो है 1 से 7 सितंबर तक पोषाहार सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये स्पेशल इसलिए है कि जो है भारत सरकार ने एक मिशन शुरू किया था कुछ माह पहले, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसमें ये पूरा महीना ही पोषण माह 1 से 30 सितंबर जो है तक जो है वो पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है, और 1 से 7 सितंबर जो है वो PMMVY सप्ताह, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह, जो कि जिसका लाभ हम आंगनबाड़ी सेंटर के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं प्रेग्नेंट मदर्स को, उसको मनाया जाना है। और इस एक सप्ताह में जो है वो मैक्सिमम केसेस जो है वो कवर किए जाने हैं। PMMVY का मैं बताना चाहूँगी कि इस पे टोटल 6,000 का लाभ एक प्रेग्नेंट मदर को दिया जाता है जिसकी फर्स्ट डिलीवरी हो, जिसमें से 1,000 तो जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हॉस्पिटल में डिलीवरी मदर कराती है तो वहाँ मिलता है, 5,000 का हमारे विभाग द्वारा दिया जाता है 3 किश्तों में। 150 दिन के अंदर अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती है प्रेग्नेंट मदर तो उसको पहली किस्त 1,000 रुपये की मिलती है, और सेकेंड किस्त मिलती है जब वो अपना स्वास्थ्य जाँच करा लेती है और टेटनस का टीका लगवा लेती है तो उसको 2,000 उस पर मिलेंगे, और थर्ड जो है आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा पैदा हो जाता है और बच्चे को इम्यूनाइजेशन का फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो 2,000 उस पर लाभ है। और ये ऑनलाइन स्कीम है, ऑनलाइन अपलोड करते हैं हम लोग और डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में पैसा भारत सरकार से आता है, भारत सरकार की स्कीम है ये, तो इसमें कोई कैश का लेन देन नहीं है और मैनुअल नहीं है, ये ऑनलाइन है ये सारी स्कीम। इसके अलावा जो सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जैसे पहले हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन आंदोलन बनाया, आज मैं समझती हूँ कि हर एक बच्चे बच्चे को बताया कि कोई स्कीम चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे ही जो पोषण का कार्यक्रम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसको भी जो है सरकार ने चाहा है कि जन आंदोलन बनाया जाए, जन अभियान बनाया जाए, ताकि एक तो जो है अवेयरनेस आए लोगों में और एक जो है पोषण स्तर, जैसे कि हमारी उससे सेक्स रेशियो इम्प्रूव हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, इसका मकसद है कि पोषण स्तर जो है सभी लोगों का, सभी बच्चों का, मदर्स का, वो सही, जो भी किसी में डेफिशिएंसी है वो ना रहे, यही कोशिश है, और पोषण स्तर में सुधार आए। आज के कार्यक्रम में हमने एक तो सस्ती और पौष्टिक आहार के उसमें रेसिपीज का कॉम्पिटिशन रखा था, जिसमें कि हमारे 3 विनर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने निकाल दिए हैं। इसके अलावा हमने स्लोगन कंपटीशन जो कि चार्ट पे बनाया है, चार्ट मेकिंग कह लो या स्लोगन, वो रखा है, वो भी इसी विषय पे है, थीम यही है पोषण का। और इसके अलावा आज सुबह से हमने जो भी इनको जानकारी दी उसका लास्ट भी हमने क्विज करवाया है, उसी बारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनको कितनी जानकारी इन्होंने ग्रहण की है, कितना इन्होंने ध्यान से सुना है, और बड़े अच्छे अच्छे जवाब आए हैं उसमें भी। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम इसको जन आंदोलन बनाने में सफल होंगे।